जय श्री कृष्णा मित्रों, जय माँ शमशान काली। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ मात्र एक घंटे में मोहिनी वशीकरण किस तरीके से किया जाता है। वीडियो को आप अंतिम तक पूरी देखिएगा, क्योंकि आपको जो ज्ञान प्राप्त होने वाला है वो कहीं पर भी आपको प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप हजारों लाखों रुपये उड़ा दो, लेकिन आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और मैं अपनी हर वीडियो में आप सभी को यही ज्ञान देता हूँ, यदि आप कोई उपाय भी कर रहे हैं तो किसी सही गुरु से, सही ज्ञानी से आप सलाह लीजिएगा, क्योंकि उपाय के अपने एक नियम होते हैं, सावधानियां होती हैं जो आपको बरतनी होती है। यदि आप वो सावधानियां नहीं बरतते तो आप खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। जो आज मैं आपके समक्ष उपाय लेके आया हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। सब प्रथम तो आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं मोहिनी स्वाहा नाम में वशीकुरु। मंत्र में मैंने जहाँ पे नाम का उच्चारण किया है उस स्थान पे अब जिस भी इंसान को वश में करना चाहते हो उसका नाम जाप करना है। मात्र इतना सा ही मंत्र है ये। अब आप पूरा विधि विधान सुनिए किस तरीके से आपको ये करना है। आपको पीले रंग का आसन लेना है और अपने समक्ष एक लाल कपड़ा बिछाइएगा। उसके ऊपर आप 16 सिंगार रखिएगा, नारियल रखिएगा, नौवेद रखिएगा, और जिस स्थान पर आप ये उपाय करेंगे उस स्थान को बिल्कुल खुशबूदार कर दीजिएगा। गुलाब की महक होनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। अगरबत्ती जलाइएगा, धुनी जलाइएगा, गुलाब के फूल रखिएगा, चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करिएगा, और आपको इस मंत्र का लगातार एक घंटा जाप करना है। इसमें आपको माला की भी आवश्यकता नहीं है। एक घंटे में ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद आप किसी भी मीठी चीज पर इस मंत्र का फूंक मारेंगे और जिस भी इंसान को वो खिलाएंगे वो आपके वश में हो जाएगा या हो जाएगी। वीडियो को अंतिम तक पूरी देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। अब बात करते हैं ये उपाय कब किया जाए। यदि आप किसी शुभ दिन पे ये उपाय करते हैं तो मात्र आपका एक दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा या कोई ग्रहण काल, एक ही दिन में आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद आप ये जो मैंने क्रिया बताई है चलाने की, ये आप चला सकते हैं। अब बात करते हैं यदि आप किसी अन्य दिन पर यह उपाय करते हैं तो आपको 21 दिन या 11 दिन ये लगातार आपको उपाय करना है। समय जो रहेगा वो रात्रि का रहेगा। अब बात करते हैं मोहिनी के विषय के ऊपर। अनेकों तरह की मोहिनी है और मोहिनी को सिद्ध करके काम लिया जाता है, या मोहिनी के मंत्रों के सिद्ध कर मंत्रों द्वारा काम लिया जाता है। किसी को वशीकरण करना है या किसी को मोहिनी भी सिद्ध करनी है तो वो किस तरीके से की जाती है, अब ध्यान से सुनिएगा। यदि आप चाहते हैं मोहिनी को सिद्ध करना तो उसकी साधनाएं होती है 41 दिन की, 61 दिन की, 3 महीने की, जो कि होती है असली। यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ असली ज्ञान की, नकली ज्ञान की नहीं। मोहिनी सिद्ध करके आपको किसी भी इंसान को कुछ भी खिलाने पिलाने की आवश्यकता नहीं होगी। मात्र आप मोहिनी को सिद्ध करके आप उस जिस भी व्यक्ति को वश में करने जा रहे हो, मात्र मोहिनी को भोग देकर आप उस इंसान को वश में कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी गलत काम के लिए मोहिनी को काम में लगाते हैं तो उसमें आपको स्वयं ही नुकसान होगा। यदि आप कोई जायज काम कर रहे हैं तो आपका वो काम सफल भी होगा और मोहिनी भी खुश होकर अपना वो भोग स्वीकार करेगी और आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूर्ति करेगी। यदि आप मोहिनी खुद भी सिद्ध करना चाहते हैं तो आप साधना लेकर मोहिनी सिद्ध कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं मोहिनी को डायरेक्ट प्राप्त करना आप बिना कुछ मेहनत करें, तो उसमें जो भी शुल्क लगेगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उसका शुल्क ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते, डायरेक्ट आप ग्रहण करना चाहते हो। तो जिन लोगों को भी मोहिनी चाहिए प्राप्त करनी है तो वो संपर्क कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में उनको मोहिनी दे दी जाएगी। अब बात करते हैं वशीकरण के बारे में। वशीकरण अनेकों तरीके से किया जाता है। मैं अपनी हर वीडियो में आप सभी को ज्ञान दे चुका हूँ। ढोंगी पखंडी लोगों से बच के रहें, किसी के लालच में ना आए, जल्दीबाजी में ना आए, सोच समझ कर कदम उठाइएगा। यदि आप सोचते हैं कि 5 मिनट में 10 मिनट में वशीकरण हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता। समय लगता है हर क्रिया में, हर उपाय में। यदि आप मेरे द्वारा भी करवा रहे हैं या स्वयं आप खुद उपाय कर रहे हैं तो उसमें समय लगता है। यदि आपको कोई इंसान बोलता है कि 1 दिन में 2 दिन में वशीकरण हो जाएगा तो उन लोगों से आप सावधान रहें। जो मैंने आपको ये उपाय दिया है इसमें बहुत सी सावधानियों का आपको पालन करना होगा, उसके बाद ही आप ये उपाय कर सकते हैं। और यदि आप खुद भी उपाय लेकर करना चाहते हैं या मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं,
तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख सकता है आपको, निःशुल्क कुछ भी नहीं है। और कृपया करके समय खराब ना कीजिएगा, जब भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिएगा तो मेरे नियम भी आपको बताए जाएंगे क्या क्या नियम है, उन नियमों का आपको पालन करना होगा, उसके बाद ही आपकी मदद की जाएगी। और यदि आपको किसी अन्य विषय के ऊपर वीडियो चाहिए या आपका कोई सवाल भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर आप देख भी सकते हैं, आप समय समय पर मैं लाइव भी आता हूँ, लाइव में आपके सवाल होते हैं और मेरे जवाब होते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माँ शमशान काली।